कंट्रोल टी से तो वो पहले से सिलेक्शन, शिफ्ट की को आप दबा कर रखेंगे और इसको अगर आप बड़ी करेंगे तब भी इसका शेप जो है वो चेंज नहीं होगा। इस तरह से शिफ्ट की को आपको दबा कर रखना है। कभी कभी क्या होता है कि आप इसको देखिए यहाँ से बड़ी कर रहे हैं तो इस तरह से चौड़ी हो जाएगी या लंबी हो जाएगी, हो रही है। आप चाहते हैं इसका शेप जैसा है पैसा का वैसा, छोटा हो या बड़ा हो, तब आप शिफ्ट की को दबा कर रखेंगे, इसको छोटा करेंगे बड़ा करेंगे जैसी होगी। लेकिन अगर आप यहाँ से साइड से या ऊपर से करेंगे तो क्या होगा, ये लंबी होगी, और यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, चौड़ी होगी। लेकिन अगर आप इन कोनों से करेंगे, इन कॉर्नर से करेंगे, क्या होगा, छोटी या बड़ी होगी। देखिए अभी इस तरह से हो रही है, पतली भी हो सकती है मोटी भी हो सकती है, लेकिन आप शिफ्ट की को दबाएंगे तो जैसी है वैसी वैसे आप छोटी या बड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, इससे आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर लेकर जाएंगे और नीचे से भी कर सकते हैं। यहाँ पे चारों तरफ से आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर रखना है आपको इसको, ठीक है। अगर आपको पिक्चर का एक से ज्यादा रोल बनानी है तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अल्टर की को दबाएंगे। लेकिन अभी हम अल्टर की को दबा रहे हैं तो देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने एंटर नहीं किया। अभी जब तक ये आपके पास ये डॉट्स आ रहे हैं तब तक कुछ नहीं होगा। आप जैसे एंटर दबा देंगे डॉट्स हट गए, अब आप अल्टर की को दबाएंगे तो इसके एक से ज्यादा आप रोल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने आपको कल बता दिया। अब आप क्या चाहते हैं कि हमने जो भी लास्ट में इसमें क्या रहता है, अपने एंटर के साथ इसके एक से ज्यादा रोल बना दिए। अब आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट कुछ करो, जैसे हमें ये वाली पिक्चर को मूव करना है तो मूव आप नहीं कर सकते, सबसे लास्ट में जो पिक्चर हमने ली है सिर्फ आप उसी को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आपको इस पिक्चर को मूव करना है या फिर सिलेक्ट करना है, तब आप क्या करेंगे, पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। आप हर एक पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको लेयर वन कॉपी वन इस तरह से कुछ लिखा हुआ दिखेगा। ये सबसे फर्स्ट टाइम अपन ने कौन सी पिक्चर ली थी, ये वाली लेयर वन, ठीक है। और एक बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है, बैकग्राउंड का मतलब है इसके पीछे का जो एरिया है जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है वो। इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जा रहा है, क्या आ रहा है, लेयर वन कॉपी टू। हर एक यहाँ पर लेयर का नाम होता है, ये लेयर कहलाती है। आपको क्या करना है, ये वाली पिक्चर मूव करनी है, तब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, लेयर वन कॉपी टू सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देख रहा है क्या लिखा हुआ आ रहा है, लेयर वन। आप यहाँ से लेयर वन कॉपी टू पर क्लिक करेंगे, देखिए क्या होगा, लेयर वन कॉपी टू। अब आप इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन अब इसको मूव नहीं कर सकते, मतलब एक बार में आप एक ही पिक्चर को मूव कर सकते हैं, आ जाएगा अच्छा। अब जैसे कि हमें इस पिक्चर को हटाना है, यहाँ से डिलीट करना है, तब आप पहले इसको, मतलब मान लीजिए ये वाली पिक्चर हटानी है, इसके पीछे जो है ये वाली हटानी है, तो राइट क्लिक करेंगे, लेयर वन सिलेक्ट कर लेंगे, हो गई सिलेक्ट। अब आप क्या करोगे, यहाँ से राइट क्लिक करोगे, रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल या फिर इलिप्टिकल जो भी आपको सिलेक्ट करना है उसको आप सिलेक्ट करोगे। नॉर्मली आप डिलीट बटन दबाओगे तो यहाँ से डिलीट नहीं होगी, ठीक है। नॉर्मली जैसे आप वर्ड में एक्सेल में होता है, पिक्चर को सिलेक्ट करो और डिलीट दबा दो, यहाँ से नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पिक्चर को सिलेक्ट करो, उतना एरिया सिलेक्ट करो और फिर यहाँ से डिलीट दबा दो। देखिए हो गई डिलीट, सिर्फ वही पिक्चर हुई है, बाकी अदर पिक्चर भी सिलेक्ट थी वो नहीं होगी। जो पिक्चर सिलेक्ट रहेगी वो ही आप डिलीट कर सकते हो, आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा ठीक है, अब अपन चलते हैं थोड़ा सा नीचे, ये दोनों आ जाएंगे समझ में, ये दोनों टूल्स। अब इसके बाद नीचे आप ये वाला जो टूल है इसमें बताइए, इसके अंदर अपन को टूल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आप मिलेंगे। हाँ, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसमें आपको मिलेंगे तीन टूल्स, लैसो टूल, पॉलीगोनल लैसो टूल और मैग्नेटिक लैसो टूल। इनको आप एल एल से एक्टिव कर सकते हैं। ये वाले जो टूल है ये कहलाते हैं आपके ऊपर वाले, ये वाले जो टूल है ये आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, सभी टूल्स अपना नाम शो करते हैं, शो कर रहा है मूव टूल। आप इसको भी से एक्टिव कर सकते हो, मतलब आप जैसे भी दबाओगे तो ये देखिए सिलेक्ट होगा, इनके आगे इनकी शॉर्टकट की लिखी रहती है। ये होते हैं आपके मार्क्यू टूल कहलाते हैं, आप राइट क्लिक करोगे, ये है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल्स और ये है आपका इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, ठीक है। और ये वाले जो है ये क्या कहलाते हैं आपके, लैसो टूल, ये होते हैं लैसो टूल। इसमें आपको तीन टाइप के टूल मिलते हैं, जो काम आपका इनका है रेक्टेंगल का और इलिप्टिकल का वही आपका इनका। ये भी सिलेक्शन टूल है, मतलब सिलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर जैसे कि कोई पिक्चर है आपके पास, अपन यही वाली ले लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी है,
तो इसमें क्या कर सकते हो आप, या तो इस पिक्चर को चौकोर में सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप गोल में सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई अदर शेप में सिलेक्ट करना है तब आप क्या करोगे, तब आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे लेसो टूल। इन टूल में से कोई सा भी टूल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इससे तो सिर्फ चौकोर में या फिर गोल में होगी, लेकिन कोई सी पिक्चर है उसमें आपको कोई एडिटिंग करनी है तो आपको अलग शेप में चाहिए, तब आप क्या करेंगे यहाँ से इन टूल्स का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला वाला जो टूल है वो है लेसो टूल। आप यहाँ से लेसो टूल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सिलेक्ट हो चुका है, यहाँ पर भी ये आ चुका है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, जैसे कि हमें ओनली इस पिक्चर का ये फ्लावर फ्लावर क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक को आपको छोड़ना नहीं है। जैसे ही आपने क्लिक को दबा दिया फिर आपको क्लिक को छोड़ना नहीं है जब तक ये एंड ना हो जाए। हमने यहाँ पर क्लिक किया और इस क्लिक को हम छोड़ेंगे नहीं जब तक ये आगे हमारा सिलेक्ट पूरा नहीं हो जाए। अगर हमने बीच में ही क्लिक को छोड़ दिया, जैसे कि हमने यहाँ पे लाए और क्लिक को छोड़ दिया, तो ये यहीं से क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा। मतलब कहने का मतलब सीधा सा ये है कि आपको क्लिक को जब तक आपको मतलब आपका सिलेक्शन पूरा ना हो जाए तब तक छोड़ना नहीं है। जैसे ही आपका सिलेक्शन पूरा पूरा होता है आप वहां पर जाकर छोड़ देंगे। देखिए सिलेक्ट कर लिया उसने, और अगर आपने बीच में छोड़ दिया, जैसे हमने यहाँ से सिलेक्ट करना स्टार्ट किया और यहाँ पर जाकर छोड़ दिया, तो ये यहीं से सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब जैसे कि कोई इसमें क्या रहता है, बहुत अच्छे से आपका हाथ जमा होना चाहिए तब आप इसका यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लिया, देखिए उसने उतनी जगह सिलेक्ट की। अब हम मूव टूल से इसको दूसरे पेज पर लेकर जा सकते हैं मूव करके, जैसे कि हमने यहाँ से किया कंट्रोल एन, ओके, ठीक है। इसको हम मूव टूल से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नीचे वाले पेज पर हम लेकर जाएंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। अब पिक्चर की साइज क्या है, बहुत बड़ी है, अब आपको छोटी करनी है, तब आप क्या करेंगे यहाँ से कंट्रोल के साथ टी दबाएंगे, सिलेक्ट हो चुकी है। इसके साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, छोटी करेंगे, फिर ऊपर की साइड लेकर जाएंगे। अगर जैसे बहुत ज्यादा बड़ी रहती है, साइज बड़े रहते हैं तो पिक्चर भी बड़ी आती है, देखिए उतना ही आया, ठीक है। क्लिक यहाँ से बीच में क्लिक करके आप इसको मूव कर सकते हैं, और साइड में डॉट्स हैं इनसे आप पिक्चर को जितनी चाहे छोटी और जितनी चाहे बड़ी कर सकते हैं। एंटर कर देंगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगी, आ जाएगा इसका यूज। उसके बाद नेक्स्ट रहता है आपका, इसमें अगर जैसे कि कोई चीज आपसे खराब हो गई तब आप क्या करते हो, जैसे कि कोई चीज गलती से डिलीट हो गई खराब हो, कंट्रोल जेड करते हो। देखिए इसमें क्या होता है, कंट्रोल जेड का आप यूज कुछ एक बार ही कर सकते हो। अगर आपको इसमें कंट्रोल जेड करना है मतलब पीछे जाना है, तब आप यहाँ पर यूज करते हो अल्टर कंट्रोल जेड। अल्टर कंट्रोल को एक साथ दबाना और उसके साथ दबाना जेड, मतलब जो आप कंट्रोल जेड से काम करते थे फोटोशॉप के अंदर वो आपको करना है अल्टर कंट्रोल जेड से, ठीक है। अब जैसे कि ये सिलेक्शन आ रहा है नहीं हट रहा, तो आप कोई सा भी टूल यहाँ से सिलेक्ट कर दो सिलेक्शन टूल और इस पर जाकर क्लिक कर दो, तो सिलेक्शन हट जाता है, ठीक है। या और इसके बाद दूसरा आता है आपका पॉलीगोनल लेसो टूल। पॉलीगोनल क्या होता है, आपने देखा होगा षटकोण रहता है वो पॉलीगोनल कहलाता है। इसमें कोई ऐसी आकृति है जिसको आपको लंबाई में इस तरह से सिलेक्ट करना है तब आप उसका यूज कर सकते हो। जैसे कि हमें क्लिक किया, आपने एक बार क्लिक कर दिया, अब इसमें क्लिक को दबाकर रखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड टाइम आप कहाँ तक सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि हम यहाँ तक सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर जाकर क्लिक कर दो, एक लाइन में उसमें सिलेक्ट कर लिया, फिर नीचे हमें यहाँ तक सिलेक्ट करना है, यहाँ तक, या फिर जहाँ तक भी, जहाँ जब तक आप क्लिक नहीं करोगे इस तरह से इससे चिपका रहेगा, क्लिक कर देंगे, छोड़ दिया उसने, आगे बढ़ने लगा, इस तरह से आप आगे आगे इस तरह से पॉलीगोनली इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आप एंटर की दबाओगे तो इस तरह से सिलेक्ट हो आ जाएगा। कैसे करना है, क्लिक करना है और ये इस तरह से आप जो भी आपको आकृति में सिलेक्ट करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंटर दबाने में तो हो जाएगा, और आपको लग रहा है आपने गलत सिलेक्ट कर लिया तो आप इसको बैक भी कर सकते हो। आप यहाँ से इसको बैक स्पेस की दबाओगे तो आप इसको जितना चाहो उतना बैक कर सकते हो। जैसे कि आपको लग रहा है यहाँ से हमने गलत सिलेक्ट कर लिया, बैक स्पेस दबा दो तो ये बैक चला जाता है, मतलब आपको ले जाना पड़ता है, लेकिन जैसे हमने क्लिक कर दिया देखो बैक जा रहा है, नहीं हो रहा, आप बैक स्पेस दबा दोगे तो हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली इसका काम भी क्या है, जगह सिलेक्ट करके उसको आप मूव कर सकते हो, यहाँ पर मूव टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, आ जाएगा। इतने में कोई डाउट है, आ जाएगा ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इसमें मैग्नेटिक टूल। इसका नॉर्मली इससे आप आसानी से कोई भी
पिक्चर को सिलेक्ट करके आसानी से कर सकते हो। ये क्या करता है? मैग्नेटिक लेजर टूल, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा उसकी स्टार्टिंग में क्या है, मैग्नेटिक।